रिसेंटली ऑप्शन टर्नओवर कैलकुलेशन में कुछ चेंजेस हुए हैं। सो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको भी ये चेंजेस रेलेवेंट हो जाएंगे। सो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको इसके बारे में डिटेल में पता चल सके। बट उसके पहले अगर आपको पता नहीं कि स्टॉक मार्केट इनकम का टैक्सेशन कैसे होता है, टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उस पर कौन से स्लैब पे टैक्स लगते हैं, तो उसका मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस बनाया है। तो उसका प्लेलिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में दे दूंगा। तो मेक श्योर पहले वो दोनों वीडियो देखिए, देन इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अभी तक हम गाइडेंस नोट 2014 एडिशन को फॉलो करते थे फॉर कैलकुलेटिंग टर्नओवर फॉर ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। बट अब रिसेंटली क्या हुआ, एक आध दो वीक पहले आईसीआई ने एक नया गाइडेंस नोट इशू किया है विच इज़ लेटेस्ट वर्जन, विच इज़ 8th एडिशन है, जो 2022 में पब्लिश किया गया है। ये असेसमेंट ईयर 22-23 से एप्लीकेबल है। तो मेजरली चेंज क्या हुआ है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग रूल्स क्या थे वो देखते हैं। तो एग्जिस्टिंग रूल्स क्या थे फॉर कैलकुलेटिंग ऑप्शन टर्न ओवर, द टोटल ऑफ फेवरेबल अनफेवरेबल डिफरेंस प्लस प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ऑप्शन। तो हम क्या करते थे, एब्सोल्यूट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्लस सेल वैल्यू, तो उसको हम टर्न ओवर मानते थे। बट अगर अब का बात करेंगे तो अब क्या हुआ है, टोटल ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल प्लस सेल ऑफ ऑप्शन ओनली इफ, तो यहाँ पे एक क्लॉज ऐड हो गया है, हावेवर वेर द प्रीमियम रिसीव्ड इज इंक्लूडेड फॉर डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट फॉर ट्रांजैक्शन द सेम शुड नॉट बी सेपरेटली इंक्लूडेड। अब इसका मतलब क्या हो गया है, फ्यूचर्स के जैसे ही अगर ऑप्शन में भी आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस हो गया है उसका एक एब्सोल्यूट टर्म्स का टोटल आएगा, उसी को टर्नओवर माना जाएगा। तो मैं तो सबसे पहले तो ये दोनों ही गाइडेंस नोट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मेक श्योर अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप वो लिंक्स पे जाके चेक कर सकते हो। बट इसको एक्सेल पे जाके बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते थे पहले क्या था एंड अब चेंजेस क्या हो गया है। सो लेट्स गो टू एक्सेल। यहाँ पे मैंने एक्सेल पे कुछ ट्रांजेक्शन लेके रखे हैं ताकि आपको समझ जाए कि पहले कैलकुलेशन कैसे किया जाता था एंड अब कैसे करना है। सो जो एग्जिस्टिंग मेथड था उसमें हम क्या करते थे, हम एब्सोल्यूट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को लेते थे प्लस जो भी सेल वैल्यू था उसे ऐड कर देते थे एंड जो भी ये फिगर आता था उसको टर्नओवर कैलकुलेट करते थे। बट अब क्या हो गया है, अब ये जो प्रॉफिट और लॉस है उसका ही एब्सोल्यूट फिगर लेना है जो हम फ्यूचर्स में करते थे। तो ऑप्शन में भी अब ऐसे ही कैलकुलेशन करना है, तो एब्सोल्यूट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तब इससे चेंजेस क्या होगा, तो लेट सी। सो अगर मैं सभी ट्रांजेक्शन का टोटल करूं तो यहां पे मैंने प्लस माइनस करके रखा है, तो प्रॉफिट इज समवेयर अराउंड 71,000 एंड अगर मैं टर्नओवर का बात करूं तो इट इज समवेयर अराउंड 11 करोड़ 54 लैक्स। तो इन दिस पर्टिकुलर केस बिकॉज मेरा टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर चला गया, मुझे ऑडिट मैंडेटरी हो गया था, क्योंकि अबोव 10 करोड़ ऑडिट इज मैंडेटरी। वो जो प्रीवियस के दो वीडियोस है उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कब ऑडिट मैंडेटरी है कब नहीं है। सो मेक श्योर पहले आप वो वीडियो भी चेक कर रहे। नाउ लेट सी अब क्या होगा, ये तो ओल्ड मेथड से मुझे ऑडिट मैंडेटरी है। नाउ लेट सी अब न्यू रूल्स के आने के बाद क्या होता है। अर्लियर टर्न ओवर वॉज समवेयर अराउंड 11.5 करोर्स, लेट सी अब क्या होता है। ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है फॉर्मूला को, तो लेट सी नाउ टर्न ओवर इज जस्ट 9,20,000, जो 11.5 करोर्स था अब वो सिर्फ 9,20,000 हो गया है। ये क्यों हुआ, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट या लॉस था उसको हमने ऐड कर दिया है। लेट सी यहाँ पे 7,300 का लॉस था, यहाँ पे 500 का प्रॉफिट था, 1,200 का लॉस था, 4,000 का प्रॉफिट था। तो वैसे ही जैसे प्रॉफिट एंड लॉस सब ऐड करके जो भी फिगर आता है अब से उसे हम टर्नओवर मानेंगे। तो अभी 9,20,000, तो ये तो वे बिलो 10 करोर्स है, तो मुझे ऑडिट मैंडेटरी है ही नहीं। सो ये चेंजेस हुए हैं इन कैलकुलेटिंग ऑप्शंस टर्नओवर। अगर आपने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो मेक श्योर अब रूल्स चेंज हो गए हैं
एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट या आपको कोई पर्सनलाइज हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं ईमेल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो दैट्स इट, ये एक नया अपडेट था एंड बहुत लोग इससे लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे, तो इसीलिए मैंने प्रायोरिटी बेसिस पे ये वीडियो बनाया ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके। एंड सभी के सभी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप वो लिंक में जाके वो डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेक श्योर आप ये वीडियो सभी से शेयर करें ताकि ये कन्फ्यूजन कम हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।